जीती रहो। बेटा मेरी तरफ देखो, बेटा कोई परेशानी है मेरा बच्चा? बताओ मुझे, तुम्हारी सास ने कोई नया गुल खिला दिया है? अच्छा यहाँ आओ मेरे पास बैठो, यहाँ। शाबाश, बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान? तुम्हारी सास ने कोई नया गुल खिलाया है? बताओ मुझे, शेयर करो। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरा इन मामलात में तजुर्बा है। मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे बेटा। दादू, वो मैं फरकान और लुबना के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में। अच्छा, मुझे मम्मी की नीयत ठीक नहीं लग रही, वो कैसे मान सकती है इस रिश्ते से? उन्होंने तो मुझे अभी तक इस घर में कबूल नहीं किया। उठते बैठते मेरी उम्र और औलाद ना होने की ताने देती रहती है। लुबना तो फिर फरकान से 2 साल बड़ी है। आप मुझे बताएं, वो कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगी? वो कैसे इस रिश्ते के लिए मान सकती है? लुबना का अच्छी जगह पे रिश्ता हो चुका है, मैं उसे इस चीज की गारंटी नहीं दे सकती कि वो खुश रहेगी इस घर में आकर। तो फिर आप मुझे बताएं, मैं किस मुंह से जाके मना कर दूं कि वो रिश्ता खत्म कर दे वहां से? मैं जानती हूँ बेटा, दाल में जरूर कुछ काला है। शाइस्ता बेगम बट मीसनी औरत है, कुछ पता ही नहीं चलता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हैरत तो मुझे जब हुई थी जब मैंने लुबना और फुरकान की शादी की बात तय की थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो बेटे की खुशी की खातिर मान जाएगी। नहीं दादू जान, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने आज तक कभी भी अपने घर जाके अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की। आप मुझे बताएं, उनको ये सब कुछ पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे उठते बैठते औलाद ना होने और उम्र के ताने मिलते रहते हैं? दादू जान, यही बातें मैं छुपा ली थी। तो आप मुझे बताएं, वो भी वही सब कुछ झेलेगी जो मैं झेल रही हूँ यहाँ पर? मगर एक बात मैं बताऊं बेटा, फुरकान अरसलान की तरह नहीं है, वो अपने माँ बाप की गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम मुतमईन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी, फिर तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। जरा सा सब्र करो, इंतजार करो। आप चाय पिए? चाय तो देखूं कैसी बना के लेके आई। जी